तो गाइस कैसे हो आप लोग। मैं हूँ फ्यूजन बॉय और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं बहुत दिनों बाद, कम से कम 2 महीने बाद एक न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो वीडियो को डिले करना पड़ा ये ब्लैक गोको वाली समन की भी। और अब तुम लोग ये मत पूछना कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए, तो अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपनी वीडियो पर आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ब्लैक गोको निकालने के लिए एक ट्रिक। मतलब वो गारंटीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता चांस बढ़ा सकती है वो ट्रिक। और यार बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि यार मुझे नहीं खुला, तुम फेक हो। भाई देख, मैं फेक नहीं हूँ, मुझे ड्रैगन बॉल लेजेंड्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मेरे जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस रहे ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये जो मेरी ट्रिक है भले ही वो गारंटीड नहीं है, लेकिन वो चांस बढ़ा देती है। मैं भी पहले ऐसे था कि मैं समन करता था लेकिन कुछ खुलता नहीं था, मैं रोता था यार कुछ नहीं मिल रहा। फिर जब से मैंने ये ट्रिक अप्लाई करी है तब से मुझे खुलना शुरू हो चुका। और आज भी मेरे पास बहुत सारे LFs है, बहुत सारे भाई, सबके सब मैक्सिमम तो सभी है। और आज अल्ट्रा ब्लैक गोको आया है तो उसके ऊपर समन करते हैं, तो गारंटीड तो नहीं होने वाला, लेकिन ट्रिक है जो काम करती है, चांस बढ़ाती है। तो ठीक है, चलो वीडियो पर सीधा जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने कैरेक्टर्स को दबाना है, उसके बाद आपको पार्टी फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ब्लैक गोकू से टैग्स से रिलेटेड कोई पार्टी बनानी है। मतलब ब्लैक गोकू जो टैग्स के अंदर आता है उसी टैग्स को लेकर पार्टी बनानी है। मतलब जैसे देखो, ब्लैक गोकू आता है पावरफुल अपोनेंट फ्यूचर और फ्यूचर ट्रंक्स आ गए, तो मैं यहाँ पर अभी फ्यूचर लगा देता हूँ। एक मिनट ज़रा, चलो मैं थोड़ा नीचे, हाँ ये जो देखो फ्यूचर ट्रंक्स आ गए, यहाँ पर दबाना है और फिर ओके करना है। फिर जितने भी ब्लैक गोकू है, अगर आपके पास ब्लैक गोकू है मतलब अल्ट्रा नहीं, जितने भी होंगे दूसरे उससे रिलेटेड, वो लगा देने हैं। देखो जैसे मैं अभी लगाता हूँ, शायद मैंने बना के रखी हो, एक मिनट मैं देखता हूँ। नहीं, फ्यूजन वॉरियर नहीं। हाँ, ये देखो ये ब्लैक गोकू की टीम मैंने बना कर रखी। आपको ऐसी टीम बना के रख देनी है, मतलब कोई भी अगर आपके पास ब्लैक गोकू होगा तो उसको ऐसे डाल दो, पावरफुल अपोनेंट होगा जो ब्लैक गोकू के सागा से रिलेटेड, जैसे फ्यूचर ट्रंक सागा उसी से रिलेटेड आपको बनानी है। मैं एक और दिखाता हूँ, शायद हारू को मैं बनाता हूँ। तो ये देखो मैं ये ब्लैक गोकू डालता हूँ, ये और ये बरगामो को हटा देंगे और ये वाला ब्लैक गोकू एक बार डाल देंगे। हाँ ये तो देखो यार, मैं जैसे ब्लैक गोकू डाल रहा हूँ ना वैसे डाल दो। और जितनी भी 7 पार्टीज है, 7 पार्टीज उसमें आप सभी यही डाल दो, मतलब सब में ब्लैक गोकू मत डालना। जैसे कुछ में ब्लैक गोकू डाल देना और कुछ पार्टीज़ में फ्यूचर ट्रंक सागा डाल देना और कुछ पार्टीज में फ्यूचर डाल देना। इससे होगा क्या कि ये कैरेक्टर्स आपके टैग से रिलेटेड ही आपके चांस बढ़ाते हैं। भाई हर बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, हर बार। जैसे देखो, मतलब मैं कैसे 4 ही पार्टी अभी फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के जो 3 पार्टीज़ है उसमें मेरे कुछ अच्छी अच्छी पार्टीज़ बना के रखा हूँ, जैसे सागस फ्रॉम द मूवीज़, फ्यूजन वॉरियर। तो ये मेरी अच्छी टीम है, बहुत सोच समझ के बनाया और मैं उनको बिगाड़ना नहीं चाहता। ये ब्लैक गोकू डाल देंगे यहाँ पर इनको हटा के। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि मैं बाकी के 3 पार्टीज़ को मैंने अभी तक छेड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे अच्छे वाले पार्टीज़ हैं, मैं उनको PvP में यूज़ करता हूँ। बाकी अगर आप स्विच कर सकते हो अपनी 7 के 7 पार्टीज़ को तो लगा दो, जितने भी ब्लैक गोकू है, फ्यूचर ट्रंक्स आ गए, ठीक है, जितने भी फ्यूचर है लगा दो। चलो अब मैंने आपके सामने लगा के दिखा दिया, आप सीधा जाएंगे सामान में, लेकिन एक मिनट। हाँ ये देखो फ्यूजन वॉरियर थी, ये देखो ब्लैक गोकू, इसके ऊपर आपको 2-3-4-5 बार टिक क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको जाना है सीधा सामान में, ठीक है। ओ भाई ये तो न्यू बैनर है, मतलब कोई LF कैरेक्टर से नहीं है यहाँ पर तो। ओ भाई ये क्या हुआ, कुछ हुआ अभी। ओ भाई, ओ द फर्स्ट एनिमेटेड बैनर। ओ भाई 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 भाई, कमाल है टोशी, कमाल है भाई, हैट्स ऑफ टू योर जॉब टोशी, बहुत मस्त बैनर बनाया। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें लेजेंडरी कैरेक्टर्स है कि नहीं है। तो क्योंकि ट्रंक्स, ब्लैक गोकू, वेजिटो और कुछ है क्या? ब्लैक गोकू है, ओके और बस बाकी सब वही पुराने घसे पीटे कैरेक्टर्स ही है। तो चलो अभी सीधा ट्रिक पे आते हैं। आपको क्या करना है, पहले 10 बार, मतलब आपकी मर्ज़ी, आपको 10 बार से ज़्यादा ये यस और नो, यस नो दबाना है, दबाओ यार। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार दबाता हूँ, 6-7 बार दबाता हूँ, लेकिन चलो ब्लैक गोको है तो इसके ऊपर 10 बार दबा ही देते हैं। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जी पावर लिस्ट पे दबाना है और ये जो ब्लैक गोको है उसके पार भी, उसके ऊपर भी 10 से ज़्यादा बार क्लिक करना है, जिसकी वजह से उसके टैग से रिलेटेड चांस बढ़ जाते हैं। उसी कैरेक्टर के टैग से रिलेटेड वही कैरेक्टर खुलना के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 7 बार दबाता हूँ, मतलब पता नहीं कितने बार हुआ अभी।
तो आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। तो अभी फिर से आपको बैक जाके 10 बार यस नो करना है इसी बैनर पे क्लिक करके, ठीक है। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे, अभी मैं यस दबा दूंगा। ओके चलो अभी देखते हैं। ओके तो और हाँ एक बात और, जब आपका ये लोडिंग हो रही होगी समन की, तब आपको ये वॉल्यूम मेरी तरह ऊपर नीचे करनी है। आप बोलोगे इसका क्या फ़ायदा भाई, करो करो भाई करो, चांस बढ़ते हैं, यकीन मानो तुम्हारा भाई झूठ नहीं बोलता। बस वॉल्यूम ऊपर नीचे करा करो जब भी लोडिंग हो रही होती है। और हाँ साथ में आपको एक नारा भी लगाना है, और वो नारा कौन सा है, तो वो नारा ये है, रामिका दे, रामिका दे, नमका, नमका, रामिका दे, रामिका दे, नमका, नमका। सॉरी, मैंने गलत नारा बोल दिया, सॉरी गाइज। तो मैं बस ये बोल रहा था वॉल्यूम ऊपर नीचे करो। तो ओके सामान चालू हो गया। ओके ओ भाई भाई भाई, इंस्टेंट ट्रांसमिशन, यस। मतलब लग तो रहा है कि कुछ अच्छा खुलेगा, चलो देखते हैं अभी क्या खुलता है। स्पार्कलिंग जामासु। ओके ओके सो एक और स्पार्कलिंग बसील। ओके अच्छा पुल था, बेकार नहीं था। उसके बाद आपको फिर से बैक जाना है, और जैसे मैंने पिछली बार अभी बताया कि 10 बार यस नो दबाओ, फिर जी पावर लिस्ट पे दबाओ, फिर कैरेक्टर पे वापस दबाओ, तो वही चीज़ आपको 10 बार करनी है। तो मैं अभी थोड़ी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। और याद रखना कि आपको वॉल्यूम ऊपर नीचे ही करना है, ठीक है, और नारा भी लगाना है साथ में, रामिका दे, रामिका दे। ओके तो इस वाले में कुछ अच्छा नहीं था, बस 2 बार ब्लैक गोकू खुले। मतलब तुम देख रहे हो मैंने वो पार्टी फॉर्मेशन में ब्लैक गोकू क्या लगा दिया कि मुझे ब्लैक गोकू खुलने के चांस बढ़ रहे हैं। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ, बस यही से 10 बार यस नो दबाऊंगा और सीधा फिर यस दबा दूंगा, ठीक है। ओके और आप लोग साथ में नारा भी लगाते रहो, रामिका दे, रामिका दे। ओके सो रेड स्काई 3 पॉड्स, कुछ खास तो नहीं लग रहा, सुपर सैयन। ओके सो इस वाले मल्टी में भी कुछ खास नहीं था, लेकिन मुझे देखो फिर से ब्लैक गोकू खुला। देखो मैं बोला था ना चांस बढ़ते हैं भाई, तो मैं फिर से यही से 10 बार यस नो दबाऊंगा। ओके सो ब्लू गोकू विथ 3 पॉड्स, कुछ खास नहीं लग रहा है। हाँ तो इस वाले मल्टी में भी कुछ खास नहीं था, तो वापस मैं यस नो दबाऊंगा। देखो भाई प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, ठीक है, ट्रस्ट करो तुम लोग। हाँ ओके सो ब्लू स्काई विथ 5 पॉड्स। ओके लगता है कुछ खुलने वाला है। अच्छा ओ भाई स्पिरिट बॉम्ब। ओके तो वीडियो को थोड़ा यहीं पर पॉज करते हैं। ओके तो अब मेरी बात सुनो, जब भी आपको कोई ग्रीन स्काई आता है तो समझ लो अगर आपको इसमें स्पिरिट बॉम्ब एनिमेशन मिलता है, मतलब जैसे देखो ग्रीन स्काई आया और बीच में से जो बादल होता है ना बादल, वो वहाँ से गया, और आपको अगर स्पिरिट बॉम्ब एनिमेशन आया तो मतलब आपको कुछ न्यू खुलने वाला है। मतलब सर गारंटीड तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ हर बार ऐसा ही हुआ है भाई। मतलब मुझे कई बार आया स्पिरिट बॉम्ब एनिमेशन, तो मुझे खुला है अल्ट्रा वेजिटो, और बारडॉक एनिमेशन भी आया है मुझे, तब भी मुझे मिला है अल्ट्रा वेजिटो, यानी वो अल्ट्रा सुपर वेजिटो है ना, वो मुझे बारडॉक एनिमेशन पर ही मिला है, जो कि ग्रीन स्काई पर था भाई। मतलब ग्रीन स्काई को तुम कम मत समझो, मुझे ब्लू स्काई पे मिला है, तो वो शायद मुझे गारंटीड ही होगा कि अल्ट्रा खुले। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन से एनिमेशन पे आपको खुलने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला स्पिरिट बॉम्ब एनिमेशन, दूसरा बारडॉक एनिमेशन, तीसरा ट्रंक्स एनिमेशन, चौथा ब्रॉली एनिमेशन पे खुलना थोड़ा कम चांस है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लेजेंड्री ही निकलते हैं, और सुपर सैयन 3 एनिमेशन पर भी आपको मिलने के चांस रहते हैं, लेकिन सुपर सैयन 3 पे 50-50 चांस रहता है। क्योंकि अब देखो भाई मुझे इतना कैसे पता भाई, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं कौन से इस पे लेजेंड्री खुला है, कौन से इस पे अल्ट्रा खुला है, भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। और भाई बारडॉक एनिमेशन पर तो तुमको गारंटीड अल्ट्रा ही निकलना है। ओके तो अभी हम अपनी वीडियो को थोड़ा प्ले करते हैं, देखते हैं हमें क्या खुलता है।
ओके भाई खुल जा खुल जा खुल जा भाई अल्ट्रा खुल जा कमॉन खुल जा भाई कमॉन कमॉन ओ यस यस खुल गया। तो यार गाइस मैं बोला था मेरे पे यकीन करो खुलनेगा जरूर खुलेगा। मतलब ब्लैक गोकू जब भी कोई ब्लैक गोकू का सामान आता है मेरा लक उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन देखो मैंने अपना लक बढ़ा लिया, देखा तुम लोगों ने भाई साहब कितना क्लीन स्पार्कलिंग रीजा। ओहो यस आखिरकार मुझे अल्ट्रा खुल गया। ओ माय गॉड तो थोड़ा दबा के देखते हैं कितना क्लीन भाई कितना क्लीन। चलो अभी इसकी एक और कॉपी मिल जाए तो अच्छी बात है। ओके सो फोर पॉट्स। ओ भाई वेजिटा मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि जब भी वेजिटा एनिमेशन आता है तब भी 50-50% चांस रहते हैं कि अल्ट्रा निकल सके, ठीक है? तो आपको भी 50% चांस हो गया अगर वेजिटा आया तो। चलो देखते हैं मुझे मिलता है कि नहीं। ओके स्पार्किंग। ओ भाई 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 फेक आउट भाई साहब। यस यस भाई इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई गाइस। भाई मेरे मेरी ट्रिक पे ना यार तुम लोग ट्रस्ट किया करो। देखो भाई मुझे अल्ट्रा खुल गया यस फाइनली ड्रीम कम ट्रू। काश मुझे एक और कॉपी मिल जाए इसी सामान में तो मैं फोन फेंक दूंगा और फोन तोड़ दूंगा। प्लीज खुल जा लिमिट ब्रेक कर दे खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा स्पार्कलिंग बूटेंग्स। ओके कोई बात नहीं लेकिन यस डबल अल्ट्रा बैक टू बैक वो भी फेक आउट के साथ। भाई साहब पहली बार फेक आउट आया गाइस। भाई कितना क्लीन था यार भाई कितना क्लीन। ओ भाई भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भाई साहब। तो गाइस देख लिया अपने आंखों से अपनी खुद की नंगी पुंगी आंखों से इतनी जहरीली आंखों से देख लिया भाई साहब। देखो यार मेरी ट्रिक काम करती है। ओके सो फिर से ग्रीन स्काई। ओके सो ये भी कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट समन। ओके सो ब्लू स्काई फिर से। ओ भाई कुछ अच्छा खुलेगा लगता। ओके तो गोकू जीत गया। ओके सो अब इसमें भी कुछ खास नहीं मिला लेकिन देखो फिर से ब्लैक गोकू निकला वो दूसरा वाला अल्ट्रा नहीं। ओके सो रेड स्काई विथ फोर पॉट्स नहीं शायद तीन पॉट्स गए। ओके तो ये पुल भी कुछ खास नहीं था लेकिन फिर से गोकू ब्लैक विथ जामासू असिस्ट इस बार अल्ट्रा रेड्स टाइम्स टू। चलो देखते हैं कुछ और खुलता है क्या। ओ भाई ब्लू स्काई विद बादल। ओ भाई वैसे तो उसको निम्बस बोला जाता है लेकिन मैं उसको बादल ही बोलता हूँ। ओ भाई साहब लगता है फिर से अल्ट्रा खुलने वाला है फीलिंग आ रही है। ओ भाई गोल्डन टैग्स में लिख के आया कमॉन 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 दे दे टोशी। ओ भाई 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 बीस आ जाओ बीस 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 भाई लगता अल्ट्रा मिलेगा अल्ट्रा मिलेगा अल्ट्रा मिलेगा शायद। भाई साहब मतलब आपको ये भी बताना भूल गया कि जो 20 एनिमेशन होता है उसमें भी मिलते हैं लेकिन उतना गारंटी नहीं रहता कम से कम 70% चांस रहता है कि अल्ट्रा मिल जाए। देखते हैं मुझे मिलता है क्या। कमॉन दे 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 ब्लैक गोकू दे दे एक्सट्रीम गोकू हीरो क्रिलिन हीरो विडल स्पार्कलिंग लेजेंड्स लिमिटेड ट्रंक्स। ओके अच्छी बात है एक्सट्रीम पेन हीरो सेल स्पार्कलिंग
फिर से लेजेंड्स लिमिटेड ब्लैक गोकू, यस शायद मैं इसको जेनकाई कर सकता हूँ। नहीं, कितने स्टार है मेरे साथ? चार ही है शायद, मेरे पांच स्टार। ठीक है, जब ये पहली बार आया था ब्लैक गोकू लेजेंडरी वाला, तब सही में मेरा लक बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मेरे इतने कम स्टार है। देखो, और देखो मैंने अपनी ट्रिक लगा के दो लेजेंड्स लिमिटेड कैरेक्टर भी खोल दिया। यार ये LF गारंटी ट्रिक है, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये लेजेंड्स लिमिटेड गारंटी ट्रिक है, लेकिन ये अल्ट्रा पर भी काम करती है। ठीक है, देख लो अपनी आँखों से। तो यार आज के लिए बस इतना ही, 8000 CC थे पूरे उड़ा दिए, डबल अल्ट्रा मिल गए। तो बस आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी ट्रिक को यूज़ करो और आप लोगों को भी ये खुल जाए। और तब तक के लिए